it will only be fair, you know, if I talk about this gentleman who's here, second row mein, and sabse aage mere, he's the legendary Nitin Mukesh sahab. Zordar taaliyan ho jayen, please, unke liye. So it's such an honor to see you. And when I got to know that you will be here, so main aadha to waise hi khush ho gaya tha, sir, aur aadha ye trailer dekhne ke baad, so good to see you. Ma'am, welcome and congratulations to you. To talk about this movie, Bypass Road, main yahan kisi ko bulane ja raha hu, and unko bula ke kuch baatein karenge. He is someone, he is an actor, but humne filmon mein aksar dekha hai ki wo kai baar ek insaan dusre ki body mein ghus jata hai na, like hota hai na, so this gentleman does that. The man of the moment, ladies and gentlemen, give it up for Nitin Mukesh. Yeah. देखने के बाद मैं पहले से बता दे रहा हूं, एवरी टाइम यू गो समवेयर यू विल बी लाइक ओके, हो सकता है कोई हो पीछे. सबसे पहला सवाल, यू नो, यू हैव रिटन दिस, यू हैव प्रोड्यूस दिस, आपके भाई ने डायरेक्ट किया है, डैड मम्मी की ब्लेसिंग्स मिली, इतने अमेजिंग एक्टर्स आपको मिले, प्रोड्यूसर साहब इतने कमाल के मिले, यार अपने को थोड़ा कम टॉर्चर करना था ना. व्हाई वुड यू डू दिस टू यू योरसेल्फ रादर? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप आज यहाँ समय निकाल के आए हैं. इट मीन्स अ लॉट टू द मुकेश फैमिली, इट मीन्स अ लॉट टू द मिराज फैमिली, इट मीन्स टू अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, स्पेशली एज अ ब्रदर. इट मीन्स अ लॉट के आप यहाँ नमन को इतनी इज्जत, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इतना ही प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया अदा मैं आप सभी का करना चाहूँगा. रहा सवाल आपका, जवाब आपके सवाल का, तो ये कहानी लिखी गई थी ये सोच के कि आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही उठपटांग करना चाहते हैं ताकि उन्हें सीरियसली लें. तो जब मेरे जहन में ये कहानी आई थी तो मुझे लगा कि पहली बात तो इंडियन सिनेमा में ऐसा कोई जॉनर अभी तक आया नहीं, और क्योंकि इतना पॉपुलर जॉनर है एक होम इन्वेजन का, उसे हम ज्यादातर एक्सप्लोर नहीं कर पाते अच्छे से. और थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो कि इसके दर्शक हमेशा बहुत ज्यादा फैंस रहते हैं, और मेरा मानना है कि अगर आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है, एक अच्छी थ्रिलर बनाई है, उसके लिए ऑडियंस हमेशा है. तो इस वजह से ये बाईपास रोड लिखी गई थी, और उससे साथ साथ जुड़ा एक सवाल मुझसे लोग पूछते थे कि आपको कैसी फिल्म अच्छी लगती है. तो मैंने कहा कि इससे अच्छा कि मैं बताऊं कि मुझे कैसी फिल्म अच्छी लगती है और करना चाहता हूं एक्सेट्रा, तो मैंने फिल्म लिखी ली. डेफिनेटली आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी गॉट अवे फ्रॉम अ मैन हु हैज बीन द पिलर ऑफ सपोर्ट ऑफ दिस एंटायर जर्नी. That's a man called Mr. Madan Paliwal. Thank you so much, Madan uncle. Thank you so much. Without him and without the support of Miraj, we definitely would not have been standing on this. Namaskar. Thank you. Thank you, Sam. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप आए. मेरे बच्चों को आशीर्वाद देते रहिएगा हमेशा. मुकेश परिवार, मेरे पूज्य पिताजी के वंशज हैं ये, और हमारा प्रयास रहा है कि हमेशा हम आपका मनोरंजन कर सकें, चाहे किसी क्षेत्र में संगीत हो, अभिनय हो या अब निर्देशन हो. ये बहुत भावुक क्षण है मेरे लिए. मेरे दो दो बेटे और दोनों एक साथ में संग में काम कर रहे हैं. मेरे बड़े बेटे ने एक पिता का कर्ज फर्ज अदा किया है, अपने छोटे भाई के संग काम करके उसकी पहली फिल्म में. मगर हम सब मुकेश परिवार मिलके आभारी उनके हैं जो आज बहुत शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, और जैसे नील ने उनके परिचय में कहा कि उन्होंने नील को और नमन को इस वजह से पूरा खुला हाथ दिया कि फिल्म
ऐसे बनाओ जैसे कि जो जो जी में आए करो और जिस तरह आप चाहो, इस क्रिएटिविटी में मेरा कोई दखल नहीं रहेगा। और वैसे इंसान ने ये इसलिए किया कि उनको मेरे पूज्य पिताजी के लिए बेहद प्यार और स्नेह है। हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारा नाम मुकेश मुकेश जी से मिला है। और मेरी प्रार्थना आज रहेगी और आप सब से ये प्रार्थना रहेगी कि हमें आशीर्वाद दें कि ये नाम आगे जन्मों तक चलता रहे। यूं ही मेरे बच्चे उनके बच्चे भी इस नाम को रोशन करते रहें। मदन भैया आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे बच्चों को आपने इतना मौका दिया। और जैसे जितने खूबसूरत सारे स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक ने अभिनय जो किया है, मैंने भी आज तक फिल्म नहीं देखी है, तो मेरे लिए इट इज़ जस्ट एज इमोशनल अ मोमेंट एज द वन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, द मदर ऑफ माय चिल्ड्रन। वी आर बोथ वेरी इमोशनल टुडे, वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हियर। Please pray and bless my children. God bless you. And thank you, young man, for giving me this honor and pleasure. Thank you. God bless you. To invite the cast and the amazing people behind this wonderful thing, ladies and gentlemen. सबसे पहले the man जिनको कोई भी hat पहना दो और किसी भी role में डाल दो, कुछ भी करवा लो, he is just too good. Give it up for Neil, Nitin, Mukesh. बात आपसे करने वाला हूं, अब सबको समझ में आ गया क्या कह रहा था। द वेरी गॉर्जियस एंड यू नो आई कैन से इट इन राइटिंग, गिव इट टू यू इन राइटिंग, दैट फैशन सेंस की जब बात आती है ना, एवरी टाइम आई सी हर, टैलेंट के अलावा शी इज हियर और हर बार एक नॉच ऊपर ही ले जाती है। गिव इट अप फॉर अदा शर्मा लेडीज एंड जेंटलमैन। जो एक मुकाम है उसकी शुरुआत हो रही है। गिव इट अप फॉर नमन नितिन मुकेश।